लिक्विड फूड वाइटमिन्स दे करके जिंदा रखा हुआ था। तो कौन जान रहा था, किसके जानने में आ रहा था? तो अब आज हम मन के स्तरों की बात करेंगे। स्लाइड देखिए, चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। इसे जो इमेज साथ में लगाई है कि एक पर्वत है, बर्फ का, वो पानी की सतह के ऊपर है, लेकिन बर्फ के इस पहाड़ का काफी बड़ा हिस्सा पानी के अंदर है, और फिर बहुत बड़ा हिस्सा जहां वो पर्वत है, जिस धरती के स्थान पर, जिस धरती के साथ उसका वो बेस है, वो बेस पानी के और भी नीचे है। मैंने कुछ हिस्से को फिर भी देखा जा सकता है, लेकिन बाकी के हिस्से को तो देखने में भी मुश्किल हो रही। हम ये कह सकते हैं जितना पर्वत की ये जो टिप बाहर दिख रही है आपको, वो हुआ चेतन मन। जितना विजिबल है, जितना दिखने में फिर भी थोड़ा पर धुंधला हो गया, क्योंकि इट्स सबमर्ज्ड इन द वाटर, पानी में, वो अवचेतन मन। लेकिन जिस आधार पर ये पर्वत खड़ा है, वो हुआ अचेतन मन। आपका जितना व्यवहार होता है, बोलना, भाषा, डीलिंग्स, इंटरैक्शन, स्पीच, अंडरस्टैंडिंग, कॉग्निशन, ये सब कॉन्शियस माइंड से होती। इसे क्या कहते हैं जिस पे मैं बैठी हूं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये कहां से निकल रहा है? एक्सप्रेशन चेतन मन से आ रहा है। अरे बैठो, आप तो खड़े रह गए, खड़ा होना अच्छा लग रहा था। गुड बॉय, गुड बॉय। जिस चीज के बारे में कभी आपने सुना ना हो, देखा ना हो, जिस चीज को कभी सूंघा ना हो, चखा ना हो, छुआ ना हो, क्या उस चीज के बारे में तुम्हारा मन सोच सकता है? मुश्किल है। हम जो कुछ जन्म से लेके आज तक जाने हैं, सुने हैं, देखे हैं, छुए हैं, चखे हैं, सूंघे हैं, सुने हैं, वो सब चीजों का एक, कुछ चीजों का क्लियर, लेकिन कुछ चीजों का बहुत वेग मेमोरी होती है। जैसे आपको मैं कहूं कि जब तुम 2 साल के थे, तब तुम अपने फैमिली के साथ कहां वेकेशन पर गए थे? तुम थे 2 साल के, कभी के नहीं थे, कभी तो थे, कहां गए थे? जब तुम 1 साल के थे और तुम्हारा पहला जन्मदिन आया था, तब क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। कुछ तो हुआ होगा, पर क्या हुआ था, क्यों नहीं पता। वो सब मेमोरीज भी तुम्हारे अवचेतन मन में मौजूद है, लेकिन उसको अभी तुम्हारा चेतन मन बाहर नहीं निकाल सकता है। क्यों? वो उसकी रेंज में नहीं है। जैसे पढ़ने के लिए
पेज की एक रेंज होनी चाहिए, बहुत दूर हो पेज नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल आँख के साथ चिपका दो नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसे ही आपका मन जो है, चेतन मन जो है, वो हम कह सकते हैं 4 से 5 साल की उम्र के बाद की कुछ थोड़ी थोड़ी धुंधली, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे चीज़ों की मेमोरी काफ़ी अच्छी होती जाती है, राइट। 14 दिसंबर को दोपहर में तुमने क्या खाया था? बता सकते हैं? ये तो अभी निकला है। दो जनवरी को सुबह नाश्ता क्या किया था? मैं ये नहीं कह रही क्या सोच रहे थे, मैं ये भी नहीं पूछ रही किस भावना में थे। बहुत सॉलिड और बहुत स्थूल चीज बोल रही हूं। क्या खाया था? अनुमान, अनुमान है, आप जितने मर्जी लगा लो, पर अनुमान सत्य तो नहीं है। कैन यू With all definite solidity, can you remember what you ate on 2nd January morning? You did it not long ago. How come you don't remember it? अब ये समझिए, चेतन मन का period of working बहुत थोड़ा है। आपका अवचेतन मन ऑल दो सबसाइडेड है, छिपा हुआ है, अंतर है, गहरा है, सूक्ष्म है, लेकिन आपके इस चेतन मन में बहुत सी क्रियाएं चलती रहती हैं। कभी विचारों में खो गए, कभी विकल्पों में खो गए, कभी स्मृतियों में चले गए, और विपर्य तो बना ही हुआ है, वो तो मूल है इस मन का। Wrong knowledges, wrong knowledge is what mind's process is mainly. वर्तमान में at any time ऐसा वक्त नहीं होता है जिस वक्त में आपका चेतन मन बिना किसी विपर्य, बिना किसी विचार, बिना किसी विकल्प, बिना किसी स्मृति, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के काम करता हो। जानना मन से हो रहा है, लेकिन मन की जो अपनी क्रियाएं हैं वो इतनी एक्टिव हैं। यूं समझिए, अभी तुम मुझे देख सकते हो, लेकिन अगर बीच में पर्दा आ जाए आप नहीं देख सकेंगे। देखने के लिए there should be no obstruction, अवरोध कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आ जाए तो हटाना पड़ेगा। अब यूं समझिए, आपने एक चीज देखी, एक चीज देखी, जैसे मैंने अभी पूछा, ये क्या है? बॉक्स। बॉक्स, इस चीज को बॉक्स कहते हैं, ये कहां से निकली? आपके स्टोर से, मन के स्टोर से निकली, राइट। लेकिन इस बॉक्स को देखा तो क्या बॉक्स ही देखा, या इस बॉक्स को देखते ही एक विचार के अच्छा है, डिजाइन अच्छा है, शेप अच्छी है, पिछले बार भी यही होता था, कहां से आया है, या इस बॉक्स को देखते ही मेरे घर में भी ऐसा ही है, मेरी एक फ्रेंड के पास ऐसा ही है, एक दुकान में वहाँ देखा था, अपने लिए लेना चाहा था पर महंगा बड़ा बेच रहा था, एल्युमिनियम का होगा, पता नहीं चांदी का ही होगा, गुरुजी के पास एल्युमिनियम का थोड़ी होगा। इट्स जस्ट एन एग्जांपल, तुम्हारा मन कैसी कैसी विचारों की, स्मृतियों की, विकल्पों की बाढ़ आ जाती है।
तो हम ये कह सकते हैं कि आपने बॉक्स को देखा है, आंखों ने देखा है, लेकिन देखने के बावजूद भी नहीं देखा है. क्यों? क्योंकि तुम तो अपनी स्मृतियों को देखने लग गए. अच्छा चलिए, स्क्रीन देखिए सब लोग, क्या दिख रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं. पूरा उसको डिस्क्राइब कीजिए. अरे हाँ, अच्छे मन से पढ़ाई कर. अच्छा अच्छा हाँ, सिर में टोपी है, डेस्क है. अच्छा यह बताइए, अगर इसी समय पर हम किसी बहुत छोटे बच्चे को ले आए जो एक हिंदू परिवार में जन्मा पला बढ़ा ना हो, और उसको हम पूछें कि ये क्या है, वो क्या बोलेगा? बात बदल जाएगी ना. नेक्स्ट पिक्चर. क्या दिख रहा है, पूरा डिस्क्राइब कीजिए. कोई एक जन करिए, कोई एक जन करिए. एनीबडी एनीबडी, जस्ट वन पर्सन. गाय है कि सांड है तुम्हें क्या पता? कृष्ण जी के आसपास गायें थी तो सांड भी तो होंगे ना, तो तुमने सांड क्यों नहीं बोला? ये कृष्ण है, ये कहां से तुमको समझ आई? बांसुरी से. अगर हम बांसुरी हटा देते तो अवतार फिल्म का कैरेक्टर लगता, राइट? ब्लू बॉडीज. ये कृष्ण है, ये कहां से निकल रहा है? और अगर ये इंफॉर्मेशन आपके अंदर नहीं गई होती तो आप इनको भगवान नहीं बोलते, हाथ नहीं जोड़ते, नमन नहीं करते, राइट? इसे गाय बोलते हैं, ये भी कहां से आया? देखे ना, क ख ग वर्णमाला आपके मन में गई, फिर उसी वर्णमाला से शब्द बने, फिर उसी शब्द से वाक्य बने, और उन्हीं वाक्यों के संग्रह से आपने कुछ निबंध पढ़े, कुछ ऐसे पढ़े, कुछ कहानियां पढ़ी और समझी, और ये सब कुछ कहाँ आपका स्टोर था? आपके अवचेतन मन में. और इस अवचेतन मन से ही कुछ कुछ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपका चेतन मन समझ पाता है, देख पाता है, जान पाता है. लेकिन अगर यही इंफॉर्मेशन आपके अंदर नहीं गई होती तो आपके लिए ही जानना बहुत मुश्किल हो जाता है. नेक्स्ट. क्या दिख रहा है? अर्धनारीश्वर. क्या समझ आ रहा है इसमें? जो सिर के ऊपर एक आप गोल्डन कलर का एक सर्कल देख पा रहे हैं, वो सर्कल क्या है? और सिर के पीछे जो बहुत सारे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं वो क्या है?
जो आप समझने की कोशिश कर रहे हो ये जोर कहाँ पे लग रहा है? अभी जब शिविर में हमने हु का जिक्र कराया तो हु जिक्र करते करते बहुत सारे जो हमारे पंजाब से आए हुए लोग थे वो हु 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 करते वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। अरे हु तो भूल गए उनको। और अजब बात है, इतना मैंने लाउड साउंड चल रहा है और म्यूजिक ट्रैक चल रहा है और कम से कम 1700 लोग हु कर रहे हैं और हु की इतनी जबरदस्त आवाज है, उन्हें वाहेगुरु याद आ रहा है। क्यों? उनकी भावनाओं में, उनके अवचेतन मन में ये शब्द बहुत गहरा चला गया। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये शब्द, ये भाषा भी आपको बाहर से आई, आपके मन ने मान ली। मान लीजिए कोई ऐसा समाज हो जिस समाज में पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष कहते होते तो वहां पर वो भी चीज चल जाती। जैसे जेल खाने में कैदियों को नंबर दिए गए होते हैं 312, 414।